जैसे हालात बुरहानपुर में हैं, कुछ कुछ वैसे ही हालात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी नजर आ रहे हैं। यहाँ गंदा पानी पीने से करीब 70 लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं। 500 से ज़्यादा घरों में बदबूदार पानी आ रहा है और इसके पीछे रतनपुर के खुंटा घाट से हो रही पानी की सप्लाई को वजह माना जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के मौसम में दूषित पानी और डायरिया की बीमारी वैसे ही लोगों को परेशान कर रही है। ऊपर से इतने लोगों का बीमार हो जाना भी चौंका रहा है। बिलासपुर के 500 घरों में बदबूदार पानी आ रहा है। तार बाहर क्षेत्र के करीब 70 लोगों को पीलिया, डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां हो रही हैं। कहने को हम छत्तीसगढ़ के सबसे दूसरे बड़े शहर बिलासपुर में है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी खराब है कि वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। उसके कारण यहाँ पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ के रहवासी गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे हैं, जिससे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। निगम वालों ने, कुछ कर्मचारियों ने, कि खुटा घाट से अटैच कर दिया गया है, वो पानी मोहल्लों में सप्लाई किया गया है, जो पूरी तरह से दूषित था और बदबूदार था। अब वो लोगों के हर घर में पहुँचा है, जिसकी वजह से आज कई घरों में बच्चे बीमार हैं, बड़े लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है। परेशानी का आलम यह है कि पहले पानी भरने के लिए लोग परेशान होते हैं, फिर उन्हें पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियां घेर रही हैं। पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पर और लोगों को पीलिया हो रहा है, बहुत ही प्रदूषित पानी आ रहा है। पानी सही नहीं आ रहा है, घर में हमारे भी पीलिया हो चुके लड़के को। एक तरफ रहवासी इतने परेशान हैं तो जिम्मेदार इसे सिरे से नकार रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर एम आर्य का कहना है कि क्षेत्र में कैंप लगाएंगे। अभी मेरे पास तो फिलहाल रिपोर्ट नहीं आई है, इसको आपके द्वारा ही जानकारी दी गई है कि ये चीज़ फैला हुआ है और तारबहार क्षेत्र में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूषित पानी की वजह से, तो दूषित पानी की वजह से ही रोग फैलते हैं। कि कहीं भी इस टाइप की स्थिति होती है कि जहां पीड़ित लोग ज़्यादा रहते हैं तो कैंप लगाते हैं, घर घर सर्वे भी कराते हैं। दरअसल ये परेशानी रतनपुर के खूंटा घाट से हो रही पानी के सप्लाई की वजह से हो रही है, जिस वजह से गंदगी की समस्या है। निगम के अधिकारी सैंपल टेस्ट कराने की बात कह रहे हैं। मान में खूंटा घाट से ट्रीटेड वाटर की जो सप्लाई हो रही है, उससे सप्लाई किया जा रहा है, तो थोड़ा टेस्ट में फर्क आ रहा है। गंदा पानी, मतलब मटमैला पानी की शिकायतें आई हैं, जो कुछ मिट्टी शेष रह गए थे, तो वहाँ से पानी में भी थोड़ी मिट्टी की शिकायत है, बहुत जल्द शीघ्र दूर हो जाएगी। स्थिति जो ये बता रहे हैं कि पीलिया है, बच्चों को हैजा हो रहा है, खासतौर पर छोटे बच्चे, 70 घरों में ये परेशानी इस वार्ड में बनी हुई है, लेकिन न नगर निगम ध्यान दे रहा है और न इनके पार्षद। तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन वार्डवासियों की समस्या की ओर प्रशासन ध्यान देता है या ऐसे ही बीमार करने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।